हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं देने वाला हूँ। आज की जो मेरी वीडियो होगी वो होगी SGPJE की वैकेंसी आपको फिर से देखने को मिल रही है, यानी कि SGPJE की वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहना, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखते रहना। कौन कौन सी वैकेंसी आई है, क्या स्टाफ्स की आई है नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। स्टाफ्स की वैकेंसी के बारे में लास्ट को आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 28 अक्टूबर, यानी कि 28 अक्टूबर के जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो पेपर होता है उसके अंदर जो SGPJE की खबर है वो छपी है। यानी कि अगर इस पे के अंदर अगर न्यूज़ पेपर आ गई, यानी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर आ गई, तो 2 या 3 दिन के अंदर आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपका लिंक है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस लखनऊ, यानी कि SGPJE लखनऊ की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल रही है। रिक्रूटमेंट नोटिस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ग्रुप BCD और आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो रहने वाली है, ठीक है। कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की आपको पोस्ट है, जूनियर इंजीनियरिंग की आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो अवेलेबल कराई गई है, फार्मासिस्ट की पोस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, यानी कि परमानेंट वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। CSSD असिस्टेंट की पोस्ट है, हॉस्पिटल अटेंडेंट सेकंड की आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं नर्सिंग ट्यूटर, यानी कि नर्सिंग ट्यूटर की आपके यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जानकारी यहाँ पर देऊंगा मैं आपको। अप्लाइड बायोलॉजी के बारे में डिस्कस, साइंस के बारे में, साइंस कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में, कॉलेज ऑफ द मेडिकल्स टेक्नोलॉजी इन सभी, फिजियोथेरेपिस्ट ट्यूटर की यहाँ पर जो वैकेंसी है, नर्सिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पर ट्यूटर की वैकेंसी है वो आपको दी गई है, और जल्द ही इसका जो फुल नोटिफिकेशन हुआ है आपके पास पहुँच जाएगा या चैनल के माध्यम से आपको पास पहुँचा दिया जाएगा इसका फुल नोटिफिकेशन कि कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो करेंगे BSc नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, BSc नर्सिंग के पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही क्या करेंगे जो ट्यूटर की वैकेंसी है उसको अप्लाई कर सकेगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए फार्मासिस्ट के लिए आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन है एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करने होंगे, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट से आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी SGPJEMS.org.in क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर पाएंगे, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सभी के लिए यहाँ पर यह भर्ती की सूचना पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जल्द ही इसका जो फुल नोटिफिकेशन है आपके पास पहुँचा दिया जाएगा, यानी कि 2 या 3 दिन के अंदर आपका इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो चैनल के माध्यम से वो आपके पास सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश करेंगे, या फिर जिसकी जो SGPJEMS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका जो फुल नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच जाएगा। यहाँ पर आपको नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी देखने को मिलेगी SGPJE की तरफ से, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करें, चैनल को कंटिन्यू विजिट करते रहें, आपके पास ये वैकेंसी की जो फुल नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचाई जाएगी। यहाँ पर जिसके लिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसके अंदर लास्ट वीक ऑफ द अक्टूबर के अंदर आपकी जो लिंक है वो अवेलेबल होने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब